श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक ते एंटी टैरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय प्रधान वीरेश सांडलिया काली माता मंदिर पहुंचे, जिथे श्री हिंदू तख्त के सैकड़िया वर्करां द्वारा उन्हां दा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके वीरेश सांडलिया ने कहा कि लोग किसान अंदोलन की आड़ च खालिस्तान नूं हवा दे रहे हैं, जिसनों बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खालिस्तान ना कभी बनेगा ना कभी बनने देंगे, ना पंजाब की माहौल को ना देश के माहौल को खराब करने की साजिश रचने दी जाएगी। ये हिंदू तख्त का दो टुक फरमान है हमारे जगत गुरु पंचानंद जी का कि किसी भी कीमत पर ना, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो या कोई भी सूबा हो, हम विदेशों में बैठकर पन्नू जैसे लोगों को खालिस्तान की मूवमेंट को जिंदा नहीं चलने देंगे ना करने देंगे। और अब तो ये मूवमेंट स्पष्ट हो चुका है कि इस मूवमेंट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, इस मूवमेंट के साथ लश्करे तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों का हाथ है। और किसान आंदोलन में इस तरह की बात करके देश में खालिस्तानियों ने, कट्टरपंथियों ने, भिंडरांवाला समर्थकों ने भिंडरांवाला के पोस्टर लगा के किसानों के समर्थन के दौरान शंभू बॉर्डर पे, जो आपके पटियाला जिला में पड़ता है, वहां भिंडरांवाला के पोस्टर लगा के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, भारतीय सेना के जवानों को उनके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के, तो ये देश के किसानों को सोचना पड़ेगा। जय जवान जय किसान का देश है ये खालिस्तानियों का देश नहीं है, भिंडरांवाला की सोच का देश नहीं है, ये भिंडरांवाला की सोच का पंजाब नहीं है, ये भिंडरांवाला वही भिंडरांवाला है। एक बार फिर इन्होंने साबित किया खालिस्तानियों ने और भिंडरांवाला समर्थकों ने भारतीय सेना को वापस मोड़ के, क्योंकि 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने ही मौत के घाट उतारा था आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरांवाला को। तो मेरी जो है किसानों से मांग है, देश के किसानों से, कि इस तरह के अल्सरों से, इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट से हमने अपना बचाव करना है। और किसानों की मांग के अंदर हिंदू तख्त भी उनके साथ खड़ा है, जगत गुरु पंचानंद जी भी उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ जो देश में लाखों लोग हिंदू तख्त के जुड़े हुए हैं, हम सब किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन खालिस्तान, खालिस्तानियों को किसानों के इस प्रदर्शन का नहीं फायदा उठाने दिया जाएगा। दूसरा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि हिंदू तख्त अब एक मुहिम छेड़ेगा राम मंदिर के बाद मथुरा काशी को आजादी दिलाने की। ये हम जल्दी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जगत गुरु पंचानंद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी से, फिर वहां से एक मूवमेंट शुरू की जाएगी और ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये मूवमेंट छेड़ी जाएगी। अब राम मंदिर के बाद मथुरा काशी की बात है। और तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी खालिस्तानी दिनकर गुप्ता जी के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने पकड़े, उनसे हथियार बरामद किए, मशीन गन बरामद की, इसका मतलब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब पंजाब का फिर माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, पंजाब में मुड़ आतंकवाद लाने की साजिश रची जा रही है, पंजाब की अमन और शांति को लांबू लाने की साजिश की जा रही है, जिसे किसी कीमत पर भी हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट फॉर इंडिया जगत गुरु पंचानंद जी के नेतृत्व में बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, हमारा हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट दोनों ही सनातन और आतंकवाद के खिलाफ है। राहुल गांधी जब विपक्ष को वहां सुना ही नहीं गया और राज्यसभा में ध्वनि मत से जिसे जो प्रस्ताव पारित कर दिया, बहस तो हुई नहीं, तो जब एक तरफा फैसले होने लग गए तो राहुल जी जो कर सकते थे पंजाब के अंदर जो उन्होंने किया, ट्रैक्टर पे बैठ के आज सर्किट हाउस में बैठ के वहां जो है आज देवीगढ़ से होते हुए वो हरियाणा में एंटर करेंगे, वो किसानों की आवाज बन रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। और हम तो एक ही मांग करते हैं मोदी जी, आवाजें खलक नकारे खुदा, लोकतंत्र में जनता जो है वो भगवान होती है। आप, मैं आज काली माता मंदिर के परिसर में बैठकर मां काली के चरणों में शीश नवाते हुए आपसे मांग करता हूं कि आप इस हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को धरती पुत्रों के सम्मान करते हुए, अगर वो सड़कों पर है कोई ना कोई उनको डर भय चिंता है, उनका डर भय चिंता खत्म करके फिलहाल इस अध्यादेश को वापस लिया जाए
और बाद में किसानों से बात करके, अलग अलग स्टेटों में किसानों से बात करके एक सर्वदलीय बैठक बुला दी, उसमें कांग्रेस भी हो, बहुजन समाज भी हो, सपा भी हो, सीपीएम सीपीआई भी हो, आम आदमी पार्टी भी हो, सारी पार्टियों को शामिल करके उनके एक डेलीगेशन के रूप में किसानों को मिले, जो किसान चाहता है किसान के हित की बात की जाए। पटियाला तो कवलजीत कंबोज की रिपोर्ट। हुण समस्या पावे कोई भी होवे इधर उधर ना घूमो, क्योंकि श्री महाकाली ज्योतिष केंद्र करनगे थोड़ी हर समस्या का हल वैदिक विधि नाल। तुसी रोंदे होए आओगे ते हसदे होए जाओगे। जेकर थोड़ा पति प्रेमी जा बेटा किसी दे वस विच है तां घबराओ ना। प्यार विच धोखा खादे प्रेमी प्रेमिका जल्द संपर्क करन, असी थोड़ा प्यार टुटन नहीं देवांगे। जिवें वशीकरण, लव मैरिज कोर्ट कचहरी विच जित, विदेश यात्रा, कर्जे तो छुटकारा, कारोबार विच काटा, लॉटरी नंबर, बीमारी विच दवा ना लगना, पति पत्नी विच अनबन, कीता कराया, रुस्से प्रेमी प्रेमिका नु मनाउणा, व्याह लई माता पिता नु मनाउणा, विदेश विच पक्का होना आदि हर समस्या का हल पंडित देव शास्त्री जी करनगे एक फोन ते। पता नोट करो, श्री महाकाली ज्योतिष केंद्र नजदीक करन हस्पताल यूको बैंक दे सामने बंगा। आने तो पहला फोन जरूर करो जी, मोबाइल नंबर 94644 0615।